नमस्कार मित्रों, इस विश्व की सबसे ज्यादा पुराने सभ्यताओं में से एक और इस विश्व के पौराणिक समय की सबसे ज्यादा आधुनिक सभ्यताओं में से एक यानी कि हरप्पन सिविलाइजेशन, जो कि आज से 7 से 8 हजार सालों पहले अपने अस्तित्व में था, और इस सभ्यता के लोग जो थे वो कैसे थे और ये सभ्यता कैसी थी, और हरप्पन सिविलाइजेशन जो है वो आज के समय में कहाँ तक फैला हुआ था। और आज हम सभी लोग इसी चीज के बारे में जानने वाले हैं कि हरप्पन सिविलाइजेशन आखिर अपने समय में यानी कि 7 से 8 हजार साल पहले थी कैसी। सबसे पहले तो दोस्तों, हरप्पन सिविलाइजेशन जो था वो आज के अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत तक फैला पड़ा था, क्योंकि इस सभ्यता के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाली चीजें जो थी वो इन सभी देशों में पाई गई थी, जैसे कि सील्स, बीड्स, वेट और पत्थरों के बनाए गए ब्लेड के साथ ही खुद के हाथों से बनाए गए ईंट जो थे वो भी इन सभी इलाकों में पाए गए थे। दोस्तों, आर्कियोलॉजिस्ट को हरियाणा के अंदर बैलों के भी कुछ मॉडल्स मिले थे जहां पर वो जमीन को जोत रहे थे, और वहीं पर ही राजस्थान के कलीबंगा में उन्हें कई सारी ऐसी जगहें मिली है जहां पर ये सबूत पाए गए हैं कि उस खेत को जोता गया था पहले। और दोस्तों, हरप्पन सिविलाइजेशन के लोग जो थे वो किस तरह से अपने खेतों में पौधों को उगाया करते थे, इस चीज के भी सबूत जो थे वो पाए गए थे। जैसे कि सबसे पहले तो एक खेत को दो में बांट दिया जाता था और फिर उसी के ही राइट एंगल में एक दूसरे तरीके का पौधा जो था वो उगाया जाता था, जो कि हमें ये दिखलाता है कि एक ही समय में दो तरह के पौधों को एक साथ ही उगाया जाता था हरप्पन सिविलाइजेशन में। इसी के साथ ही दोस्तों, हरप्पन साइट जो थे वो ज्यादातर सेमी अराइड जमीनों पर पाए गए थे, जहां पर हमें ये पता चलता है कि इरिगेशन जो था वो बहुत ही ज्यादा जरूरी था एग्रीकल्चर के लिए। अब जरा दोस्तों, हम हरप्पन सिविलाइजेशन के शहरी जगहों के बारे में भी जान लेते हैं, जिनमें से कुछ तो बहुत ज्यादा प्रचलित है और उनमें से एक है मोहनजोदारो। आर्कियोलॉजिस्ट ने दोस्तों ये पता लगाया है कि मोहनजोदारो जो था वो दो हिस्सों में बटा हुआ था, जिसमें से सबसे पहला था सीटाडेल जो कि रूलिंग क्लासेस के लिए था यानी कि बड़े लोगों के लिए, और दूसरा था लोअर टाउन जो कि आम आदमियों के लिए था। और मोहनजोदारो के दोस्तों इन शहरी इलाकों में जब उन्होंने बहुत ही ज्यादा खोजबीन की थी तो उन्हें ये पता चला था कि सबसे पहले मोहनजोदारो को बनाने के ऊपर बहुत ही ज्यादा प्लान किया गया था और तब जाकर इसे बनाया गया था। इस सब के साथ ही दोस्तों, मोहनजोदारो के हर एक एरिया में ड्रेनेज सिस्टम के ऊपर बहुत ही बढ़िया तरीके से प्लान किया गया था और तब जाकर उसे बनाया गया था। यहाँ तक कि आपको मोहनजोदारो के हर एक रोड और गली में कोई ना कोई ग्रिल पैटर्न में राइट एंगल में एक नली जो थी वो देखने को मिल जाएगी, जो कि वहाँ के हर एक घर से कनेक्टेड थी, जहाँ पर से घर का सारा कूड़ा जो था वो उस समय फेंका जाता था। और मोहनजोदारो के हर एक घर के लिए ये भी कहा जाता है कि उन सभी के पास खुद का ही एक अलग बाथरूम होता था, और इसी के साथ ही उन सभी के पास एक और फ्लोर होता था उनके घर के ऊपर, और वहाँ पर तकरीबन 700 से भी ज्यादा मोहनजोदारो में कुएं पाए गए। इसी के साथ ही दोस्तों, मोहनजोदारो के सीटेडल के सेक्शन में उन्हें बहुत ही अलग अलग तरीके की बिल्डिंग्स जो थी वो देखने को मिली थी, जिसके लिए स्कॉलर्स ने ये कहा था कि ये एक बहुत ही अलग तरीके का रिचुअल बात होगा जो कि उस समय के लोग जो थे वो किया करते होंगे। इस खास तरीके के रस्म को जो नाम दिया गया है उसका नाम है द ग्रेट बाथ। इसी के साथ ही दोस्तों, हमें हरप्पन सिविलाइजेशन की एक और बहुत ही ज्यादा प्रचलित प्रथा के बारे में पता चलता है, जो कि हम मनुष्य से जुड़ी हुई थी। असल में जब भी कोई हरप्पन सिविलाइजेशन का आदमी जो था वो बीमार हो जाता था, और दोस्तों जब भी हरप्पन सिविलाइजेशन के लोगों की मृत्यु हो जाती थी तो फिर उन्हें जमीन में दफना दिया जाता था, और जब आज के समय में उनकी लाशों को बाहर निकाला गया तो फिर उनकी लाशों के साथ पोएट्री और ऑर्नामेंट जो थे वो भी मिले थे, जो कि हमें ये चीज दिखलाती है कि मृत्यु के बाद इन सभी चीजों का इस्तेमाल होने वाली प्रथा पर ये सभी लोग जो थे हरप्पन सिविलाइजेशन के लोग वो मानते थे। दोस्तों, इस सब के साथ ही ये भी कहा जाता है कि हरप्पन सिविलाइजेशन के जो सबसे बड़े व्यापारिक पार्टनर थे वो थे मेसोपोटेमिया, इजिप्ट और चाइनीज सिविलाइजेशन। इन सभी के साथ हरप्पन सिविलाइजेशन जो था वो सोने के गहरे, टिम्बर, कॉटन टेक्सटाइल, कॉपर, ब्रॉन्ज फिशेज, यहाँ तक कि वाटर बिफेलोज तक का ट्रेड जो था वो किया करता था एक दूसरे के साथ। और दोस्तों, उस समय में हरप्पन सिविलाइजेशन जो था वो बाहरी देशों के साथ इतना बड़ा व्यापार जो था वो किया करता था, जो कि हमें ये भी दिखलाता है कि हरप्पन सिविलाइजेशन जो था वो अपने समय में कितना ज्यादा समृद्ध था। फिर दोस्तों, ऐसा तो हो नहीं सकता है कि इतना बड़ा और समृद्ध सिविलाइजेशन जो है वो ऐसे ही चल रहा था, आखिर उसको चलाने वाला कौन था और उसे संभालता कौन था। दोस्तों, वैसे तो ये भी कहा जाता है कि हरप्पन सिविलाइजेशन का कोई एक रूलर जो था यानी कि कोई उस पर एक राज करता ही नहीं था, असल में मोहनजोदारो का अलग रूलर था तो किसी और जगह का कोई और रूलर था, और हर जगह ये अलग अलग तरीके से ही काम किया करते थे। इसी के साथ ही दोस्तों, हमें हरप्पन सिविलाइजेशन के पत्थरों में बहुत ही अलग अलग तरीके की चीजें जो है वो देखने को मिलती है, जैसे कि भगवान शिव की एक फोटो, वहीं पे माँ देवी की भी एक फोटो हमें देखने को मिलती है। इसी के साथ ही हरप्पन सिविलाइजेशन में उन्हें कई अलग अलग तरीके के इंस्क्रिप्शन जो है वो मिले, जहाँ पर बहुत ही अलग अलग तरीके के शब्द मिले, और उनकी भाषा को अभी तक पर आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो समझ नहीं पाए। इस वजह से आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि हम बिल्कुल भी अभी तक श्योर नहीं है कि किस लिए इस्तेमाल किए जाते थे। पर अब जरा हम ये भी जान लेते हैं कि हरप्पन सिविलाइजेशन का अंत जो था वो हुआ कैसे था और कब हुआ था और क्या कारण था इसके पीछे।
दोस्तों हरप्पन सिविलाइजेशन की शुरुआत जो थी वो आज से 8,000 साल पहले हुई थी, और ये हरप्पन सिविलाइजेशन का अंत जो था वो आज से 3,800 साल पहले हुआ था, जो कि ये बताता है कि ये सिविलाइजेशन पूरे 4,200 सालों तक थी। और आज के समय में हरप्पन सिविलाइजेशन के अंत की वजह को क्लाइमेट चेंज, डिफॉरेस्ट्रेशन के रूप में बताया जाता है। ये भी कहा जाता है कि कई सारी नदियां जो थी वो भी सूख गई थी, और इस सब के कारण दोस्तों हरप्पन सिविलाइजेशन की जमीन जो थी वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। वो जगह बंजर बन गई थी और वहां पर बहुत ही ज्यादा सूखा भी पड़ गया था, और फिर बाढ़ की वजह से वो जगह जो थी वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। दोस्तों हरप्पन सिविलाइजेशन के अंत के बाद हमें इतनी पुरानी सभ्यता के बारे में पता ही नहीं चलता अगर 1921 में दयाराम सहानी जी ने इस सभ्यता को खोजा ना होता तो, क्योंकि दयाराम जी ने हरप्पन सभ्यता के साथ ही हरप्पा के शहरी इलाके जैसे कि मोहनजोदड़ो, रोपर और आलमगीरपुरी को भी खोजा था। पर अब आप दोस्तों अपने विचार जो है हमें कमेंट सेक्शन में यह लिखकर बताएं कि आपके हिसाब से हरप्पन सिविलाइजेशन जो है वो इस विश्व की सबसे ज्यादा पुरानी सभ्यता है।